स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्योंकि पेपर की डेट आपकी रिलीज हो गई है, तो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर ऑफ 2023, राइट? सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर ऑफ मॉर्निंग शिफ्ट. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन नेचर प्रॉम्प्टेड एंड नो लॉ डिनाइड प्रोमेटियस यूज ऑफ कॉन्क्यूबाइन एंड ब्राइड. फर्स्ट टू लाइन से भी आपका आ जाना चाहिए था कि हाउ इट विल गो. लाइक देन इज़राइल्स मोनार्क आफ्टर हेवेंस Own heart is vigorous one who did variously impart to wives and slaves from with wives and slaves. Basically, ये किसकी बात कर रहा है? He is taking references from heaven and God. जहाँ पे भी हम heaven, God, allegorical characters को लेते हैं, उसको हम कौन सी poem बोलते हैं? Allegory, right? एलिगरी पोएम बोलते हैं. इनमें से एलिगरी की पोएम कौन सी है? केवल ये वाली है, एब्सोल्यूट एंड एकेटोफेल. एलिगरी की पोएम थी, इसमें एब्सोल्यूट एंड एकेटोफेल के अंदर क्या एलिगरी है, किस चीज की बात करी है उसने? ही वाज वर्किंग एज अ स्पाई ऑफ फ्रांस. ही वाज हैविंग अ टाई अप विद द फ्रांसिस एंड गिविंग फ्रांस ऑल द न्यूज और द ट्रेजर मनी ऑफ इंग्लैंड, राइट? तो ही वाज फाउंड गिल्टी and was punished and executed. उसको भी हेड कर दिया गया, right? Second, जो इन्हीं के बेटे जब बाद में आए थे, जिसको हम एज ऑफ रेस्टोरेशन बोलते हैं, जब चार्ल्स टू फोन कर आए थे, तो he was also doing the same thing, but not the treasury. He was in Catholicism. He was not liking the Puritans and Protestants. He punished Puritans because उससे पहले Puritan rule था, Puritan race था ना, Oliver Cromwell था, तो he was punishing all. अब now when he came in rule, people didn't like him, but there was no option. क्योंकि ऑलिवर क्रॉमवेल का बिना रूल करना नहीं चाह रहा था, वो चला गया, तो इनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं था. इंग्लैंड के और कोई किंग्स बचे नहीं थे, तो इनको झेलना पड़ा उनको. बट उसी टाइम पे इनको खुश करने के लिए, क्योंकि इनके खुद के बेटों ने इनको मारने का प्लान बनाया था, पॉपिश प्लॉट एंड उसके बाद ब्रायन हाउस प्लॉट, दो प्लॉट हुए थे. तो इन दोनों के अंदर इसमें ये जो आपका वर्क है, इसमें लिखा था, ये इन्होंने लिखा था 79 में लिखा गया है, और पॉपिश प्लॉट कब हुआ था? 16th ऑब्वियसली उसके आगे 82 में राइट हाउस प्लॉट हुआ था. ये हुआ था 1672 में, 75 तक चला था, 79 में ये पोयम लिखी गई थी. इट वॉज अबाउट द पॉपिश प्लॉट. किंगडम ऑफ किंग डेविड. एब्सोल्यूट एंड एकेटोफेल आर द ट्रेटर्स इन द किंगडम ऑफ किंग डेविड. बेसिकली किंग डेविड के उसमें एब्सोल्यूट एंड एकेटोफेल दो ट्रेटर्स हैं, दो उनके कमांडर इन चीफ थे जिन्होंने धोखा दिया था किंग डेविड को. This is all about that. एलिगरी क्या है? First king, the ideal king को लिया गया, उनकी ideal state को लिया गया, और उसमें से जब sin enter करता है, तो जो दो first traitors थे, उनकी image ली गई. ठीक है? यहाँ पे आपसे जो मैंने की टोकन कौन है? The two sons of Charles II. ये जो traitors हैं, ये यहाँ पे कौन है? Sons of Charles. क्या नाम था? Shaftesbury और मॉनमाउथ. हाँ, ठीक है, शाफ्ट्सबरी एंड मॉनमाउथ, ये दो इनके बेटे थे जिन्होंने यहाँ पे एब्सोल्यूट एंड एकेटोफेल का रूल गॉट इट. ये वो पोयम यहाँ पे दे रखी है. नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोयम्स इज रिटन बाय ऑलिवर गोल्डस्मिथ. ये बेसिकली पोयम किस चीज को सिंबलाइज कर रही है, इसके बारे में लिखा गया है, थीम क्या इसमें? इंडस्ट्रियलाइजेशन. इसमें तीन चीजों पे फोकस किया गया, डेजर्टिफिकेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, माइग्रेशन और अर्बनाइजेशन. बेसिकली क्या है, जब भी हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करते हैं? दे यूज टू मूव टूवर्ड विलेजेस, और विलेज में लैंड लेके वहां पे इंडस्ट्रीज लगाते हैं, फैक्ट्रीज लगाते हैं, फिर उन लोगों को ऑक्यूपेशन देते हैं, तो वो लोग अपनी जमीनें बेच देते हैं. देन वहां पे वो लोग जो लोकल लोग हैं वो काम करने लगते हैं, उनके बच्चे कहाँ आ जाते हैं? बड़ी सिटीज में. तो जब उनके बच्चे बड़ी सिटीज में आते हैं, और दे वांट देयर पेरेंट्स टू सेल द रिमेनिंग लैंड्स आल्सो, इसको हम क्या बोलते हैं? अर्बनाइजेशन.
अर्बन मतलब सिटीज, तो जब लोग विलेज से सिटी की तरफ मूव करते हैं उसको बोलते हैं अर्बनाइजेशन और अर्बन माइग्रेशन। तो ये यहाँ पे माइग्रेशन के बारे में है, अर्बनाइजेशन के बारे में, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में, कि अब जो यहाँ पे कोई कह रहे कि वो जो मेरा गांव था, जो बेसिकली मेरा विलेज था, नाउ इट इज डेजर्टेड, वहां गिने चुने कोई लोग मिलते हैं और वो लोगों को बेवकूफ लगते हैं कि अभी भी यही रहे, बाकी सब लोग क्या कर चुके अपने लैंड को सेल करके सिटीज में जाते हैं। आप लोग यहाँ पे देखते होंगे स्लम्स में बहुत सारे बिहार से, बंगाल से लोग आके स्लम्स में रहे, और वो लोग उन स्लम में भी देख रहे हैं कि पैसे कहाँ से लेकर आ रहे हैं, अपने गांव की जमीन को गिरवी रख के या बेच कर यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ काम क्या कर रहे हैं, लेबरर का ही काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ये कि यहाँ से इनकम तो आ रही है, वहां पे बाढ़ आ गई, कुछ और हो गया, सूखा हो गया, तो उनकी लैंड बेकार हो जाती है जिसको उन्होंने बेच दिया। तो एग्रीकल्चर लैंड को बेच के उससे पैसे लेके इन लोग सिटीज में आके रह रहे हैं, यहाँ पे लेबरर की जॉब कर रहे हैं, लेकिन ये उसी में सेटिस्फाई है, बेसिकली जो उन्होंने सोचा था कि इतना पैसा लेके जाएंगे अच्छी लाइफ मिल सकती, वो नहीं हो, बट यहाँ बस मूव करके रह गए। दैट इज कॉल्ड अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, ये तीन में आता है। और ये जो एज है ट्रांसेंडेंटलिज्म की, या हम तो इसे ट्रांजिशन एज बोलते हैं, ट्रांसेंडेंटलिज्म तो अमेरिका में आता है, ट्रांजिशन एज के अंदर मेन मूवमेंट कौन सा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन बोला था ना मैंने आपको लिखवाया था। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर जब फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही थी तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर लैंड ऑक्यूपाई करते जा रहे थे, गॉट इट, ये उसका एग्जांपल। इस टाइम पे एग्रीकल्चर लैंड्स बिक रहे थे, फैक्ट्रीज लग रही थी, दैट मींस कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज एट इट्स पीक 1770 है, ठीक है, हां ये इसकी शायद फर्स्ट पोएम है, हां ये इनका फिर फर्स्ट वर्क है, उन्होंने तभी लिखना शुरू किया। Now, Tribute to Papa is a book of poem written by Suniti Nam Joshi, Mamta Kalia, Kamla Das, Meena Alexander. Indian में से ही लगे आइडिया लगाओ पहले थोड़ा सा, ये वक्त किसका हो सकता है, she was a family son, she doesn't like any alienness in her life, तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन कट गया। नहीं, मीना अलेक्जेंडर इज ऑल्सो अ हार्डकोर फेमिनिस्ट और कन्फेशनल है ये, तो इनका भी अगर कन्फेशनल है, कमला दास की तरह, तो ऑब्वियसली इनका भी कट गया, डायस्पोरिक राइटर है, इंग्लैंड में रहती है, यहाँ नहीं रहती, ठीक है। अब रह गए सुनीति नाम जोशी एंड कमला ममता कालिया, रिसेंट राइटर है, कॉन्टेम्प्रेरी भी है, और इस तरीके के कुछ क्वेश्चन आपको हमेशा मिलेंगे जिससे राइटर्स के नाम नहीं पढ़ते, ठीक है। पहले जब इस तरीके के क्वेश्चन आते थे जो अननोन होते थे, अननोन राइटर्स के थे, तो आई ऑलवेज आस्क स्टूडेंट टू मार्क सी, सी टिक करना है, और 80% केसेस में वो सही होता था, बट नाउ यू हैव टू मार्क बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय सिल्विया प्लाथ, लेडी रिजर्व एज एरियल डैडी टू एरियल, तो एरियल उसकी नहीं, टू एरियल जो पोएम है उसने इसमें लिखी है, एरियल कैरेक्टर शेक्सपियर के नाम से बोलता है। रॉबर्ट बर्न वाज बोर्न इन स्कॉटलैंड, वो हम द फॉलोइंग कैरेक्टर्स पर्सोनिफाइड एज सिटी इन पीपी शेलीज प्रोमिथियस एंड बॉम्बुश। देखो प्रोमिथियस वाज द वन हु डिड गिव द फायर टू पीपल, तो इज ही वाज द वन हु पर्सोनिफाइज द सिटी, नो ही इज फुलफिलिंग द नेसेसिटी, तो ये became the symbol of god, demigod था ना, Prometheus कौन था, Prometheus was demigod, he was the son of Zeus, तो he was demigod, he cannot be the personification, क्योंकि ये तो already demigod है, human है ही, तो इसका personification तो हो नहीं सकता ना, demigod मतलब half human half god, तो already human ही है, but ये जो character है इसके अंदर Jove and Zeus कौन है, Jove, who is Jove? The doctor of Jupiter who unbound him. Jove and Zeus भी तो अर्थ पर आई थी घूमने के लिए, they heard some sound, they went into the deep cave of Pacific and saw that Prometheus is bound here. तो वो लोग उसे unbound कर दिए हैं, Jove and Zeus. And Jove fell in love with Prometheus, और वो Jupiter से फिर permission लेंगे कि मुझे इनसे शादी करने की permission दी जाए, ठीक है। तो जो एंड जीनस कौन है यहाँ पे, गॉडेसेस, ठीक है। अब कौन बचा यहाँ पे,
डेमोकॉकन बचा, डेमोकॉकन इज द ह्यूमन हु नीड्स पान, तो ही इज द वन हु पर्सोनिफाई नेसेसिटी, ठीक है, ही इज द वन हु पर्सोनिफाई नेसेसिटी। अगर तुम्हें इसका टेक्स्ट, इसके कैरेक्टर, इसकी डिटेल पता होगी तो तुम्हें ये आंसर आता होगा, पर तुम्हें कैरेक्टर नहीं पता। अब मैंने कौन, मैं सीरियसली बता रही हूँ, क्या मैं बता रही हूँ आपको कि प्रोमिटियस अनबाउंड का केवल समरी पढ़ा है, मैंने भी इसको पॉजिटिव में नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर मुझे समरी पता है तो कैरेक्टर्स पता है, कैरेक्टर्स पता है तो उसके रोल पता है। आपको भी मैंने मैक्सिमम बोलते ही बोला है कि समरी पढ़ो, कभी नहीं कहा मैंने कि बहुत डिटेल में इन चीजों को पढ़ो, किसी भी वक्त का नहीं कहा, एक्सेप्ट लाइक आइडियल राइटर्स लाइक शेक्सपियर, मिल्टन वगैरह के अलावा मैं कभी नहीं बोलती कि इस वर्क को बहुत डिटेल में पढ़ता, ठीक है, मैं तो समरी पढ़ लो, कैरेक्टर्स ढंग से पढ़ो, क्योंकि अगर आपको कैरेक्टर पता होगा तो उनसे रिलेटेड सिंबल्स पता होंगे, पर्सोनिफिकेशन या जो भी आपके नेचुरल डिवाइसेस हैं वो पता होंगे, यू कैन आइडेंटिफाई दैट, वरना गलत ही करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, Who among the following after watching the performance of William Shakespeare's play A Midsummer's Night's Dream observed that it is the most insipid, ridiculous play I have ever seen in my life? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। जॉन एल्विन, सेमिल पेपीज, ड्राइडन एंड रॉबर्ट ग्रीन, ये चारों सॉरी उसी के टाइम के हैं। डायरेक्ट है। सेमिल पेपीज ही है। Because he is the fan, he is the boy who wrote the diary account of 26 years old. और उसमें इसने कहा कि मैंने बचपन में मतलब जब 13-14 साल का था या कुछ ऐसा था, अपने फादर के साथ जाके इसने मिडसमर्स नाइट ड्रीम देखा प्ले, और उसने कहा कि आई हैव नेवर सीन सच अ रिडिकुलस प्ले इन माय लाइफ, ठीक है, इसको नहीं हो सकता। इसने कहा व्हाट वाज देयर टू लाफ, क्योंकि उसमें क्या है मेन, अगर हम मिडसमर्स नाइट ड्रीम की बात कर रहे हैं तो मिडसमर्स नाइट ड्रीम इज डिजाइंड एज अ कॉमिक प्ले, एंड इसमें हाउ मेनी सब प्लॉट्स आर देयर इन मिडसमर नाइट ड्रीम, मेन स्टोरीज ऑफ कैरेक्टर्स याद है,